हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विक्रम सरकार और आपका स्वागत है डे डस्ट पे। तो आज का डे डस्ट है सिनेमा के ऊपर। तो जब मैं छोटा था, मेरे नाना के घर के सामने एक बड़ा सा मैदान था। तब अब धीरे धीरे वो मैदान भर रहा है, तो वो मैदान पे कुछ प्लेज हुआ करते थे, तो वही लोकल प्लेज देखने के लिए जाया करता था। पहली बार सिनेमा हॉल का जिक्र मेरे दिमाग में आया जब मेरे नानी ने बताया कि मेरे मम्मी और पापा बंगाली एक फिल्म थी लाठी, वो देखने के लिए गए। तो उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे छोड़ के कैसे चले गए। मगर उसके बाद फिनेंशियल हालत हम लोगों की ऐसी हो गई कि मेरे मम्मी और पापा और कभी भी कोई भी सिनेमा देखने के लिए नहीं जा पाए। इवन मैं भी नहीं जा पाया उनके साथ कभी भी सिनेमा देखने के लिए। तो जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता रहा, क्लास 8th और 9th होगा, तो मेरे दोस्त सिनेमा देखने के लिए जाने का प्लान करने लगे स्कूल से भाग के। तो उस टाइम पे स्कूल से भाग के कहीं पे जाना बहुत थ्रिलिंग होता हुआ करता था। तो हम मैं और मेरा एक दोस्त निकले कि दूसरे दोस्तों के साथ मिलेंगे और एक सिनेमा देखने के लिए जाएंगे। तो फिर हम लोग पहुँचे जहाँ पे लोकेशन ठीक किया था कि वहाँ पे मिलेंगे सारे मिलके स्कूल से दूर। तो उसी लोकेशन पे जाके हम लोग सारे मिलके पहुँच गए। मगर सारे में मैं और मेरे दोस्त ही थे, बाकी दोस्त क्या जाने कहाँ चले गए। तो वो क्लास 9 में कभी हम लोगों का सिनेमा हॉल जाना हो नहीं पाया। उसके बाद एक साल और बीत गया और हम लोग 10th क्लास पास कर गए। 10th जैसे ही पास कर गए तो हम लोगों के पर निकल आए। तब सोचे कि नहीं, अब जाएंगे एक सिनेमा देखने के लिए। तो हॉल का टिकट कितना है, कहाँ पे हॉल है, ये सब कुछ नहीं पता। सिर्फ खबर लगा लिया कि उधर पे एक हॉल है, शावड़ा पुली बोल के एक जगह था, उधर पे एक हॉल है, उधर पे जाएंगे और सिनेमा देखेंगे जो भी चल रहा हो। तो हम लोग पहुँच गए, एक बंगाली फिल्म चल रही थी तभी। पहली बार देखे कि हॉल के सामने का नज़ारा क्या होता है, सिनेमा थिएटर में लोग कैसे टिकट ब्लैक करते हैं। उस ज़माने में हुआ करता था टिकट ब्लैक। ये बात कर रहा हूँ, मैंने 10th दिया 2009 में, तो 12-13 साल हो गए हैं। तो उस ज़माने में टिकट ब्लैक्स हुआ करते थे, तो टिकट ब्लैकर ब्लैक कर रहे थे और टिकट था कुछ 15 रुपये का और ब्लैकर वो ही ब्लैक कर रहे थे 25-30 रुपये में। तो हम लोगों को हालांकि टिकट मिल गया जाने के बाद, मैं और मेरा एक दोस्त बैठे सिनेमा देखने के लिए। और तो एक्शन फिल्म थी बंगाली, तो देखा तो हम लोग हो गए ऑस्ट्रक कि भाई ये हीरो जैसा बनना होगा। नेक्स्ट दिन से बोरा बिस्तर उठा के चल दिए जिम पे कि जाएंगे जिम करेंगे, बॉडी बनाएंगे उसके जैसा, लड़की को बचाएंगे। कौन लड़की को बचाएंगे कुछ पता नहीं था, मगर बचाएंगे तो जिम में लग पड़े। उसके बाद सिनेमा ही दुनिया हो गई और मैं फ़ोटोग्राफी करता था, फ़ोटोग्राफी से धीरे धीरे सिनेमा की तरफ आया और मुंबई आ पहुंचा अभी काम करने के लिए। मगर सिनेमा का साथ शुरू ऐसे हुआ था और ख़त्म ना जाने कैसे होगा पता नहीं। कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी के अंत के दिन तक सिनेमा अपने साथ रहे। तो ऐसे ही जैसे ज़िंदगी चलती जाती है ना, कुछ लोग जुड़ते जाते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे मुंबई आने के बाद कोलकाता वाला एक जान पहचान का दोस्त मिला और धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो नसीब से क्या हो गया कि वो दोस्त एक फिल्म एडिटर है और उसी ने लाल सिंह चड्ढा एडिट की है, मतलब जो एडिटिंग टीम था लाल सिंह चड्ढा का, उसमें वो एक बंदा था। तो बहुत बातचीत हुई हम लोगों की लाल सिंह चड्ढा के बारे में, मगर मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं एक दूसरे शूट पर बिज़ी था और वो अपने काम पर बिज़ी था। तो मैं उसके साथ मुलाकात करके लाल सिंह चड्ढा देख ही नहीं पाया। अभी नसीब देखिए कि वो दोस्त चला गया है कोलकाता और मैं हूँ अभी यहाँ पे। तो कल मैंने समय निकाल के लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए गया और ये लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए जैसे ही मैं सिनेमा हॉल पहुँचा, उसके बाद से क्या हुआ वही देखेंगे आज के डे डस्ट में। तो चलिए हम लोग सीधा जंप करते हैं डे डस्ट के जर्नी पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाल सिंह चड्ढा देखने का हम लोगों का अनुभव कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए। बहुत आ रहा हूँ मलाड में, कोई तो एक हॉल है तो मूवी थिएटर है उधर पे देखने के लिए। पेटीएम पे फिगर आउट कर लिया है टिकट
100 रुपीज़ का है, ज़्यादा पैसे हम लोगों के पास होते नहीं है, तो 100 रुपीज़ का टिकट में ही देखने के लिए जाएंगे लाल सिंह चड्ढा। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त जा रहा है आज, उसका नाम है बलराम जाखर, तो उससे भी मिलवाऊंगा कुछ ही देर में। तो उससे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, हम लोग मड से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के सीधा जाएंगे मलाड। मलाड पहुँच के फिगर आउट करेंगे कि कहाँ पे है मूवी थिएटर और पहुँच जाएंगे उसमें। 7:15 का शो है, तो उससे पहले पहुँचना होगा। चलिए रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। चलिए तो रेडी हो गया हूँ मैं, अभी जाते हैं मेरे दोस्त के रूम की तरफ, उसको बुला के देन उधर से बस पकड़ के निकलूँगा। मेरे रेडी होना ना होना सेम ही है, बस टी शर्ट चेंज कर लिया है ना, बस ख़त्म। चलो तो फिर निकलते हैं। हाँ, ये रास्ता जाता है बलराम के घर की तरफ, मैं अभी उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं वो अभी तक रेडी है कि नहीं, जाके चेक कर लूँगा कि वो अभी रेडी हुआ है कि नहीं। लेट्स सी, उसके घर के पास पहुंच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिल लिए मेरे दोस्त से, वो यहाँ गए, हर दिन की तरह आधा घंटा लेट ही पहुँचे हैं ये। सो अभी हम लोग बस स्टॉप पे हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे बस आ रही है, बस उस तरफ है। जैसे ही आती है हम लोग चढ़ जाएंगे, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, 7:15 तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट विल ट्राई टू रीच देयर। अभी भगवान भरोसे हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। और रास्ते में बहुत लोग मिल जाते हैं, बलराम के साथ और एक भी बंदा आया है, तो उसको भी मिलाएंगे, बस में मिलाएंगे, आपको सबको एक साथ मिलाने से नहीं होगा। तो बस आ गई है, तो हम लोग चढ़ जाते हैं बस पे। आईडी कर रहे हैं कि जाना कहाँ पे है, बस पे उतरना कहाँ पे है, इस दिखा रहा है। और ये है राघवेंद्र, ये है जाखर के रूममेट, तो ये भी हम लोगों के साथ ही जा रहे हैं। वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे उतरना कहाँ पे, बस चेंज कहाँ पे करना है। कोई झूठा चौकी, मिथ चौकी कुछ तो है, वो चौकी में मिथ। अभी जाते हुए देखते हैं कि क्या होता है, अभी देखते हैं कि 7:15 तक पहुँच पाते हैं क्या। लाल सिंह चड्ढा दौड़ते दौड़ते निकल जाते हैं और उसके पीछे पीछे हम लोग जाते हैं, पता नहीं। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं, देखते हैं। चलिए आप भी देखिए। हाँ, ये लेट लतीफ़ी हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता, देखते हैं कि क्या होता है। जेटी से बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं आपको। जेटी के बाहर ऐसा है और बस के अंदर मुंबई के बसेज ऐसे होते हैं, BST बसेज। ये है, इतने लोग हैं, पवन का दुकान है। और इधर पे हम लोग के जान पहचान का पवन भाई का दुकान है, भाजी वाजी का। अभी इस सेल लग जाएगा, इधर पे मनोज जी हैं, पवन और मनोज जी। अभी लोग आ जाएंगे, पेट भर के भाजी खाएंगे शाम के टाइम। यहाँ पाव भाजी मिलता है, किसी दिन आएंगे खाने के लिए इधर पे, इधर का रिव्यू करेंगे उस टाइम पे। चल साइकिल से करेंगे ये मड में एक छोटा सा बैंक और स्कूल आता है, इसके बाद आता है सबसे पुराना मड में चर्च। शाहरुख खान की पहली फिल्म शूट ये सीन आ गया, चर्च आ गया, चर्च का मड में। अगर आप कभी भी आए ये लोकेशन पे आए, तो इतने पेड़ पौधे दिखने के लिए मिलेंगे कि पूरे मुंबई में इतना नहीं मिलेगा, एरे को छोड़ के। आई लव मड आ गया, साइड पे अगर देख दिखा पाता दूसरे साइड पे, उधर पे समंदर है। और इसी बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग है, उधर पे पंकज त्रिपाठी वो लोग रहते हैं, रहेगा में अगर मैं गलत ना हूँ तो। बाकी ये सारे जो बंगलोज आपको दिखेंगे, सारे बंगलोज में शूट होता है बेसिकली, इधर पे डेली सोप्स का, फिल्म्स का सारे शूट चलते रहते हैं ये सारे बंगलोज में। रास्ते के दोनों साइड ही हैं, मैं बस में हूँ तो दूसरा साइड दिखा नहीं पा रहा हूँ, किसी और एक दिन दिखाऊँगा आपको पूरा मठ घुमा के। तो ये है वो जो गाना होता है कि तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ, वो अक्सा बीच भी इधर पे ही है, थोड़ी दूर जाके है अक्सा बीच। और 2-3 मिनट के बाद जैसे ही अक्सा आता है मैं आपको बताता हूँ। ये आ गए अक्सा बीच वाला एरिया, इधर से अक्सा बीच वाला एरिया ये देख सकते हैं। अक्सा बीच का रास्ता इस तरफ है, अक्सा बीच वाला एरिया आ गया है। इधर पे ही संडे और सैटरडे को बहुत भीड़ रहती है,
ये उल्टे तरफ अक्सा बीच है और इस तरफ का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। तो ये है मौर मठ की खूबसूरती। लोग खड़े होते हैं, इधर घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं और लोग चल भी रहे हैं। एक दिन अक्सा बीच भी लेके जाएंगे आप लोग। मिथ चौक उतरना था, गिरधर चौक उतर गए हैं, अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा, बस से भी धक्का मार के उतर दिए गए हम लोग, क्योंकि इतना भीड़ था दरवाजे के सामने खड़े थे। आगे तो दिखाओ कि कितनी भीड़ है आगे। और सही है, लंबा ट्रैफिक जैम है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चल के पहुंच जाए हॉल तक, मगर पता नहीं कुछ कांच पाड़ा में कौन सा कांच बनता है कुछ पता नहीं, राइट लेना होगा। बोल सामने डंडा आ गया था, पता ही नहीं चला वीडियो बनाते बनाते डंडा गलत लग जाता। आधा पर रुकना नहीं चाहिए वीडियो। हाँ, आधा पर रुकना नहीं चाहिए, डंडा टूटने वाला था। अभी हम लोग चल रहे हैं, सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा देर बाद, चलने के बाद कहाँ तक पहुँचते हैं। मिथ चौक पहुँच गए हैं। मिथ चौक पहुँच के अभी फिर सीधा चलना पड़ेगा, दिखा रहा है 12 मिनट, तो उसके बाद खंबा आएगा, तो खंबा देख के हम लोगों को जाना पड़ेगा। मगर अभी 12 मिनट फिर पैदल चलना पड़ेगा, दिखा रहा है कोई ऑटो या बस इधर पे मिलने वाला है नहीं। चाय की एक दो दुकानें हैं, चाय पी के चलना पड़ेगा। अभी चाय नहीं पियेंगे एक्चुअली, पहले हॉल तक पहुंचते हैं, देन चाय वाय जो पीना होगा देखेंगे। मगर लगता नहीं है कि टाइम पर हो पाएगा। और लाल सिंह चड्ढा भी 2 घंटा 45 मिनट्स का फिल्म है, सो विल टेक टाइम। अंदर पे बैठना पड़ेगा, इंटरवल में कुछ और खाने पीने को मिल जाएगा। ओ तो ये है मिट चौकी जो हम लोग चल के आए, तो ये चौकी क्रॉस करके अभी हम लोग चल रहे हैं। हॉल के सामने पहुंच के फिर आता हूँ, ठीक है? ये तो धक्का वक्का लग जाएगा कहाँ पे, क्या जाने। सो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग हॉल के सामने। दिखा देता हूँ आपको हॉल का सीन, सीनरी क्या। ये है हम लोगों का ये हॉल, ये हॉल में घुसने का रास्ता। बलराम और ये चल रहे हैं, लिगर चल रहा है, ब्रह्मास्त्र चल रहा है, दोबारा भी देख के जा सकते थे, मगर टाइम नहीं है अभी, नेक्स्ट और एक दिन आएंगे उसके बाद। अभी जा रहे हैं काउंटर पे ये लोग टिकट दिखाने के लिए। गुड इवनिंग, वी हैव अ बुकिंग सो फॉर ऑनलाइन पे टिकट रहेगी तो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, हम लोग पता नहीं था। चलिए घुसते हैं। यस, अभी एंट्री किधर से हो रहा है? ओके, आफ्टर कितना टाइम बाद? कितने बजे का हुआ है आपका? 7:30 6:45 हुआ है। कितना टाइम बजे एंट्री देते हैं ये लोग? 7 बजे से पहले एंट्री नहीं देते। सो अभी हम लोगों को थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ेगा। कॉफ़ी डिबेला है, हम लोग कॉफ़ी नहीं पी सकते। 100 के टिकट में 250 का कॉफ़ी नहीं पिया जाता, तो हम लोग चाय ढूंढने के 6 रुपये का कटिंग। तो फिर देखते हैं, फिर चाय। चाय की दुकान दिख गई है सामने, वो देखिए उस तरफ छोटा सा रेड कलर के, इसमें चाय एंड पाव भाजी मिल जाएगा हम लोगों को। पाव भाजी नहीं, गलत बोल दिया मैंने, वड़ा पाव वही का फेमस वड़ा पाव मिल जाएगा, तो वही दे देंगे। कुछ चल रहा है उधर पे, फ्री में भी खाना मिले तो खा लेंगे। देख के जा रहे हैं हम लोग, सामने ऑटो आ रहा है, ठीक है, पहुंच गए हैं। चाय समोसा भी ख़त्म होने का आया है, आयरन चल रहा है। ये आ गया हम लोग का चाय की दुकान इधर पे। दादा 3 चाय देना। दो, अच्छा 2 चाय, राघवेंद्र चाय नहीं पीता। चलिए चाय पी के फिर मिलते हैं, चाय पीना हो जाए देन फिर मिलते हैं हम लोग, देखते हैं। गोलगप्पे खाने के लिए पहुंच गए हैं दादा के दुकान, गोलगप्पा बना रहे हैं ये। और मुश्किल ये है कि कोलकाता जैसा इधर पे आलू वाला गोलगप्पा नहीं मिलता, मटर दे के उसके अंदर दे रहे हैं, तो 10 के 4। खाने के बाद, खाना हो जाने के बाद रिव्यू करते हैं कि क्या सीन है। 10 के 4 मिल रहे हैं, नेचुरल रिएक्शन देता
फाइनली लाल सिंह चड्ढा देख के लौट रहे हैं। फिल्म अच्छी लगी हम लोगों को, थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी लगी लास्ट के एंड के तरफ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब है कुछ। जो लोग फॉरेस्ट गंप देखे हैं दे कैन ऑल्सो वॉच, और जो लोग नहीं देखे हैं दे तो मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। सो बाकी हम लोगों का 100 रुपये का सफ़र अच्छा ही रहा। अभी बस में थोड़ा बहुत भीड़ था, अभी खाली हो गई है। हम लोग लौट रहे हैं मठ के तरफ। रात का मठ का नज़ारा दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा होता है मठ का, मुंबई के चकाचौंध नहीं है मठ में। सो भाई बाकी किसी एक दिन और दिखाया जाएगा। पर लाल सिंह का सफ़र बहुत अच्छा रहा, लाल सिंह बहुत दौड़ा। और मॉल का 100 रुपये का था मगर AC 1000 रुपीज़ का, मतलब इतना चीजिंग था कि कोट लेके जा सकते थे, जैकेट या कोट वो जो भी हो। सो आप लोग भी जाइए, नहीं ये सिनेमा हॉल में नहीं, जिसके पास जो सिनेमा हॉल है उधर भी जाइए, लाल सिंह चड्ढा देख सकते हैं। मेरे हाय फ्रेंड्स, लाल सिंह चड्ढा देख के लौट गए हैं हम लोग। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि कैसे इन्जॉय किए हम लोग और ब्लॉग कैसा बना। मगर अभी मैं कुछ बात करना चाहूँगा लाल सिंह चड्ढा के बारे में। मैं कोई फिल्म रिव्यूअर हूँ नहीं, पहले ही बता देता हूँ, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है। मगर एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ किया, वही आपको बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म कैसी है। तो फॉर एन इंडियन ऑडियंस लाल सिंह चड्ढा वन टाइम वॉच तो है, मगर कुछ कुछ फ्लॉज हैं फिल्म में जो मुझे लगा कि लास्ट का एंडिंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, वो अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट हाफ क्रिस्प है, बहुत अच्छी है, मगर सेकेंड हाफ में फिल्म का पेस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिल्म आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, तो उससे कोप अप करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यह है कि जो कैरेक्टर्स फॉरेस्ट गंप में थे वो लोग ना कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसके जर्नी में, मगर यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं ना वो लग रहा है कि आसमान से टपके और अपना रोल ख़त्म करके निकल गए। उन लोगों का कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा मुझे दिखा नहीं। जैसे करीना कपूर का कैरेक्टर जो है वो आ रही है जा रही है, इट्स फाइन, बट उसका कंट्रीब्यूशन ना उतना दिख नहीं रहा था मुझे। बाला का जो कैरेक्टर जो फॉरेस्ट गंप में जो देखा था कि इतना इंट्रीगिंग था उधर पे, मगर यहाँ पे बाला का कैरेक्टर वो डेवलप ही नहीं हुआ, वो एक ही बात करता रहा, चड्डी बनियान एंड वो मर गया बेचारा, चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन प्ले वाइज भी मुझे लगा कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा स्क्रीन राइटिंग और अच्छा हो सकता था। तो ओवरऑल अगर बताऊँ लाल सिंह चड्ढा वन टाइम वॉच है, और म्यूज़िक इज़ फैबुलस, आपको म्यूज़िक देख सुनना चाहिए लाल सिंह चड्ढा का, बहुत अच्छी म्यूज़िक है, सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, मगर फिल्म वाइज वन टाइम वॉच है, आप एक बार ज़रूर देखिए। वो अभी OTT पे देख सकते हैं, आएगा जब तब, या हॉल पे जाके देख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, मगर एक बार ज़रूर देखिए ये देखने के लिए कि कैसा बनाया गया है। और आमिर खान की एक्टिंग के बारे में बताऊँ तो मुझे लगा कि PKN 3 Idiots वाला ये एक्टिंग इधर पे भी चल रहा है, कुछ नया देखने को नहीं मिला, और थोड़ा सा ओवर द टॉप भी लगा। फॉरेस्ट गंप में टॉम हैंक्स को देख के अगर इसको मैं जज करूँ तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ओवर द टॉप थोड़ा सा है। अभी आप लोग देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाल सिंह चड्ढा आपको कैसा लगा। और मेरा चैनल का वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चैनल का नाम है Daydust। और सामने के वीडियोज़ भी आई थिंक अच्छे ही बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी कुछ सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।